ओके अच्छो मालिक, आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में आज हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग असेसमेंट की सीरीज पढ़ रहे हैं, और इस असेसमेंट की सीरीज के अंदर में हम लोगों ने 143 खत्म कर दिया है, 144 तक के खत्म कर दिया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। आज के लेक्चर के अंदर में हम लोग क्या देखेंगे सर? सबसे पहले देखेंगे आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी, हम है कहाँ। ध्यान से सुनिएगा, एओ अब तक या तो 143 कर चुका होगा या तो 144 कर चुका होगा, से यस, दोनों में से कुछ तो एक किया होगा, या तो 143 किया होगा, 144 किया होगा। उसके बाद क्या निकाला होगा? ऑर्डर निकाला होगा। ऑर्डर पसंद आया, एक्सेप्ट कर, पे कर, गेम ओवर। हमारे ऑफिस में जो सबसे ज्यादा काम होते हैं वो यही होते हैं कि अगर कभी भी नोटिस आता है, अगर कभी भी क्या आता है मालिक, नोटिस आता है तो असेसी को बोला जाता है, भाई तू एक काम कर, तू पे कर और काम खत्म कर, इतना ज्यादा उस चीज को मत चला। याद आ रहा है तुम्हारे को? इतना ज्यादा वो ये उस चीज को मत चला, पे कर, खत्म कर, राइट। पर अगर ऐसा नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा नहीं होता, या मान लीजिए कभी एसएससी को लगता है कि नहीं यार मेरे को इस चीज का तो डिडक्शन मिलना चाहिए था, इस चीज का डिडक्शन नहीं मिला, तो उसके पास तीन ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म है, अपील, रिविजन, रेक्टिफिकेशन। उसके पास तीन ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म कौन कौन से बेटा बोलो? अपील, रिविजन, रेक्टिफिकेशन। ऐसे तीन ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये जो चैप्टर्स है अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, वो बिल्कुल इसी टॉपिक के बाद हमें पढ़ने हैं, और वो इसी से कनेक्टेड है। इन फ्यूचर जाके अगर एसएससी के खिलाफ कुछ मिला, एसएससी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, दो सिचुएशन पॉसिबल है। एसएससी के खिलाफ कुछ मिला, एसएससी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, ऐसे दो सिचुएशन पॉसिबल है। चेक। तो मान लो यहां पे क्या होता है, एसएससी के खिलाफ कुछ बड़ा मिलता है तो हम यहां पे जाएंगे रेड्स के अंदर में। यस। तो इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है कॉल्ड सर्च एंड सीजर। और मान लो कि अगर उसके खिलाफ कुछ बहुत बड़ा नहीं मिलता, छोटा ही है कुछ, तो फिर जाता है रीअसेसमेंट की तरफ केस। केस कहां जाता है बेटा? रीअसेसमेंट की तरफ। और ये जो रीअसेसमेंट वाला पार्ट है ना, ये असेसमेंट प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं वो इसी के ऊपर फ्रेम होते हैं। अब रीअसेसमेंट को पढ़ने का एक तरीका है, पहले मैं आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक केस था, एक केस लॉ था, केस लॉ का नाम था जीके एंड ड्राइव श्राफ्ट। केस लॉ का नेम था जीके एंड ड्राइव श्राफ्ट। इस केस लॉ ने इस सेक्शन को रीड करने का एक सीक्वेंस दिया था, और ये सीक्वेंस है ये, राइट। तो केस लॉ का नाम क्या था सर? नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बट फिर भी, जीके एंड ड्राइव श्राफ्ट करके एक केस था। इस केस ने क्या किया था? इस केस ने आपको इस सेक्शन को पढ़ने का एक सीक्वेंस दिया था। सेक्शन 147 बात करता है रीअसेसमेंट की। सेक्शन 147 किसकी बात करता है बेटा? रीअसेसमेंट की। लेकिन ये जो रीअसेसमेंट का सेक्शन है ना, ये इतने जल्दी खत्म नहीं होता, ये 147 से लेके 153 तक के चलता है। बोलो कहां से कहां तक के? ये 147 से लेकर के 153 तक के चलता है। तो आप सभी को ये पूरे सेक्शन कैसे पढ़ने पड़ेंगे सर? साथ में पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको एक क्लिक होगा कि ये सेक्शन कैसे है। अब 147 से लेके 153 तक के कौन से सेक्शन किसके बाद पढ़ने हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज ऑब्जर्व कीजिएगा। सबसे पहले रीअसेसमेंट या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, एसएस के दो नाम है, राइट। ध्यान से सुनना, कितने नाम है सर इसके? दो। रजिस्टर में जाओ, रजिस्टर में लिखो सेक्शन 147 to 153। कितने नाम है इसके? दो। पहला इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, और इसी का नाम है रीअसेसमेंट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के कितने नाम है मालिक? दो नाम है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट, ऐसे दो नाम है इस पर्टिकुलर टॉपिक के। क्लियर है? अच्छा जी, अब इसको पढ़ने का एक सीक्वेंस है, इसको पढ़ने का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले आप आते हैं सेक्शन 151 पढ़ने के लिए। सेक्शन 151 क्या है? अप्रूवल। भैया अगर आपको इस सेक्शन के अंदर में रीअसेसमेंट करनी है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बराबर है। अप्रूवल के बाद आता है भैया टाइम लिमिट। अप्रूवल के बाद आता है भैया टाइम लिमिट, इन टाइम लिमिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। टाइम लिमिट के बाद आता है सेक्शन 150, देयर इज नो टाइम लिमिट। दैट इज कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर आता है आपका 148A, 148B, राइट। फिर आता है आपका 148। यहां पे सेक्शन नंबर के सीक्वेंस में मत जाना, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से चलते जाना, राइट। तो यहां पे आ जाता है सेक्शन 148A, सेक्शन 148B। अब ये जो देखोगे आप सेक्शन 148A और 148B, राइट, 148A, 148B, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको सेक्शन पढ़ना है सेक्शन 148। सेक्शन 148 के अंदर में क्या कवर है सर? नोटिस कवर है,
बराबर है। 148A के अंदर में क्या कवर्ड है सर? OOBH कवर्ड है। क्या कवर्ड है सर? OOBH, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कवर है। 148B के अंदर में क्या कवर है सर? प्रायर अप्रूवल कवर्ड है। प्रायर अप्रूवल कवर्ड है। एक बार ये हो गया, फिर आप पढ़िए 147, दैट इज रीअसेसमेंट। ये हो गया तो फिर आपको पढ़ना है सीधा 152 एंड 153। 152 दिया गया है इसके टैक्स रेट्स, एंड 153 आपको यहां पे दिया गया है टाइम लिमिट। तो एक बार फटाक से ये लिख लो। यस मालिक। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या री असेसमेंट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सबसे पहले क्या चाहिए? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अब देखिए ये कब होता है, जब या तो पहले असेसमेंट हो चुका हो या इसके पहले कभी भी असेसमेंट हुआ ही नहीं होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन दिस वे। आपने रिटर्न भरा किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए, लेट से 2022-23 के लिए आपने क्या भरा? रिटर्न भरा। अब वो उसके ऊपर ना 143(3) हुआ ना 144 हुआ, राइट? तो ऐसे केस में क्या 147 हो सकता है? द आंसर इज यस, 147 हो सकता है। मान लीजिए पहले 143(3) हो चुका है, 144 हो चुका है, क्या उसके बाद भी रीअसेसमेंट हो सकता है? आंसर इज अगेन यस, इसके बाद भी क्या हो सकता है? रीअसेसमेंट हो सकता है। लेट्स चेक। लेकिन ये रीअसेसमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सबसे पहले अप्रूवल लेना होगा। ये ऐसे ही नहीं होता, हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ता है? असेसमेंट के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब ये रीअसेसमेंट कितने साल पुराने हो सकते हैं? जनरली 3 ईयर्स पुराने रीअसेसमेंट क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं, बराबर है। जनरली 3 ईयर्स पुराने क्या हो सकते हैं? रीअसेसमेंट हो सकते हैं। हालांकि 3 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स के भी रीअसेसमेंट हो सकते हैं, 10 ईयर्स के भी क्या हो सकते हैं? रीअसेसमेंट हो सकते हैं। तो पहले 3 साल के अगर केसेस को रीअसेसमेंट लाना है तो आपको अप्रूवल चाहिए प्रिंसिपल सीआईटी, प्रिंसिपल डीजीआईटी, सीआईटी या डीआईटी का। तो इनिशियली अगर इफ इट इज फॉर 3 ईयर्स और लेस देन 3 ईयर्स, सीआईटी डीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी या प्रिंसिपल डीआईटी का अप्रूवल चाहिए। अगर 3 साल से पुराने केसेस आपको ओपन करने हैं तो ऐसे केसेस में 3 ईयर्स और मोर देन 3 ईयर्स वाले केसेस है तो ऐसे केस में आपको सीसीआईटी डीजीआईटी, इस साल का अपडेट, इस साल का अमेंडमेंट है, प्रिंसिपल सीआईटी और प्रिंसिपल डीआईटी भी इसका क्या कर सकते हैं? अप्रूवल दे सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर 3 साल से कम का केसेस है तो सीआईटी डीआईटी, 3 साल से ऊपर का केसेस है तो सीसीआईटी डीजीआईटी, बराबर है। इस साल एक अपडेट हुआ है 3 साल के ऊपर वाले केसेस का, प्रिंसिपल सीआईटी प्रिंसिपल डीआईटी भी क्या कर सकते हैं? अप्रूवल दे सकते हैं। ये सुनो, इफ नोटिस इज इश्यूड विद इन द टाइम लिमिट अंडर 149(1) बट इट इज सर्व्ड आफ्टर द डेट, इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ वैलिड नोटिस। ये नोटिस के लिए वर्ड क्या लिखा है बेटा? इशू। ये टाइम लिमिट के अंदर में सर्व वर्ड नहीं लिखा है, इस टाइम लिमिट के अंदर में क्या लिखा है बेटा? नोटिस मस्ट बी इशूड विद इन दिस डेट। अब अगर नोटिस इस डेट के अंदर में इशू हो चुका है तो ये एक वैलिड नोटिस बन जाता है। ये क्या बन जाता है? एक वैलिड नोटिस बन जाता है, भले ही उसको एक्चुअली सर्व नहीं भी किया हो तो ये नोटिस क्या रहेगा बेटा? एक वैलिड नोटिस रहेगा। यस राइट। अच्छा जी, ये नोटिस का जो 3 ईयर्स का टाइम लिमिट लिखा है, ये नोटिस में जो 3 ईयर्स का टाइम लिमिट लिखा है, ये आफ्टर कंसिडरिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा जो फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो लाया गया है उससे। ये पॉइंट हाल फिलहाल में अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो वेट फॉर इट, आगे चल के आपको समझ में आएगा। हाल फिलहाल में 151 के अंदर में इतना ही समझिए कि आपके लिए अप्रूवल कितना है। पहले 3 साल तक के सीआईटी डीआईटी देता है, 3 साल के बाद सीसीआईटी डीजीआईटी देता है। अमेंडमेंट कहाँ है? 3 साल के ऊपर वाले जो केसेस है ये कौन कवर कर सकता है? पीसीआईटी या पीडीआईटी भी कवर कर सकता है। ठीक है मालिक, चलो एक एक सेक्शन में यहां पे लिखते जाऊंगा और आप भी एक एक सेक्शन को क्या करते जाइए? लिखते जाइए साथ साथ में। तो सेक्शन 151 सबसे पहले क्या चाहिए मालिक? अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल किसका चाहिए? अप टू 3 ईयर्स और लेस सीआईटी ऑब्लिक डीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी ऑब्लिक प्रिंसिपल डीआईटी। बियॉन्ड 3 ईयर्स वाले केस प्रिंसिपल सीसीआईटी प्रिंसिपल डीआईटी सीसीआईटी डीआईटी।
चेक कर लो। अच्छा जी सर, एक बार आपका अप्रूवल आ गया 151 में, एक बार आपका अप्रूवल आ गया, अब आता है नोटिस कब तक के इशू कर सकते हैं रीअसेसमेंट करने के लिए। रीअसेसमेंट करना है मतलब नोटिस इशू करनी पड़ेगी, यस और नो? नोटिस इशू करनी पड़ेगी। नोटिस कब तक के इशू कर सकते हैं? 149 के अंदर में आते हैं। यहां पे फाइनेंस एक्ट 2023 से अमेंडमेंट भी आया है, तो उसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। जनरली जनरली आप 3 असेसमेंट ईयर तक के क्या कर सकते हैं, 3 रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक के पीछे जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपका असेसमेंट ईयर अगर 23-24 है, तो आप पिछले 3 असेसमेंट ईयर तक के जा सकते हैं, पिछले 3 असेसमेंट ईयर तक के जा सकते हैं। तो जो भी रेलेवेंट ईयर का आपको केस ओपन करना है, वहां से आगे 3 साल तक के आप क्या कर सकते हो, केस ओपन कर सकते हो। इन जनरल नोटिस कैन बी इशूड विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर अगर आपका 22-23 है, तो 24-25-26 तक के क्या हो सकता है, केस ओपन हो सकता है। 2026 तक के क्या किया जा सकता है, केस ओपन किया जा सकता है, राइट? क्या 3 साल के ऊपर भी जा सकते हैं हम लोग, 3 साल के बियॉन्ड भी जा सकते हैं हम लोग? यस सर। अगर आपका एस्केप्ड इनकम 50 लाख से ऊपर का है, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट और रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। अब जरा सोच करके देखिएगा, जरा सोच करके देखिएगा, आदमी ने अगर कोई इनकम एस्केप की है असेसमेंट में, मतलब इसके पहले अगर वो असेसमेंट में यू नो कंसिडर नहीं हुई होगी, तो ये 50 लाख का वो क्या कर सकता है? या तो उसने कोई ना कोई एसेट के अंदर में इन्वॉल्व किया होगा, या तो ये एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होगा, मतलब उसने कोई एक्सपेंसेस कर दिया है लेकिन ये रिकॉर्ड शो नहीं हुआ, और बाद में असेसमेंट में पता चला कि भैया ये इसने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया है। इसका वैल्यू अगर 50 लाख रुपीज से ऊपर जा रहा होगा, तो आपको क्या करना है, 3 साल की जगह आप 10 साल तक के भी कभी भी असेसमेंट क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। इफ इनकम हैज एस्केप द असेसमेंट द अमाउंट और इज लाइकली टू अमाउंट 50 लाख और मोर, 50 लाख और मोर, राइट, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट और एक्सपेंडिचर इन और रिलेशन टू एन इवेंट ओकेजन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं सर, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई असेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हो सकता है कोई ओकेजन भी रिप्रेजेंट कर दें, हो सकता है कोई ओकेजन भी रिप्रेजेंट कर दें। तो नोटिस कैन बी इशूड अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब ये जो अमेंडमेंट आया था ना, ये आया था सर यू नो 22-23 असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, राइट और नॉट? अब ध्यान से सुनिएगा, नोटिस अंडर 148 के नॉट बी इशूड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 और अर्लियर असेसमेंट ईयर इफ नोटिस कुड नॉट हैव बीन इशूड एज पर द ओल्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149। अब इसका मीनिंग समझिए क्या है, और इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखिए 149 जो अमेंड हुआ, ये 22-23 के अंदर में अमेंडमेंट हुआ विद अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसके पहले क्या था, इसके पहले आप 4 साल तक के केस ओपन कर सकते थे, और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अगर 50 लाख से ऊपर हो, तो उस केस में हम 6 साल तक के जा सकते थे। मतलब आज जो असेसमेंट ईयर 3 है और 10 है, इसके पहले ये कितने ईयर्स का होता था, ये होता था बेटा 4 ईयर्स और 10 ईयर्स का, ये होता था बेटा सॉरी 4 ईयर्स और 6 ईयर्स का ये केस ओपन हुआ करता था। अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए इसके पहले के ईयर्स का असेसमेंट ईयर 21-22 के पहले अगर ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, तो न्यू प्रोविजन के हिसाब से टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं हो सकता था। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल। मान करके चलिए मिस्टर ए हैज एन अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ 10 करोड़, क्या ये 50 लाख से ऊपर है? आंसर इज यस फॉर द असेसमेंट ईयर 12-13। 12-13 का केस था। अब 12-13 के केस था, मतलब पुराने लॉ 149 के हिसाब से ये मैक्सिमम कितने साल तक के ओपन किया जा सकता था, 6 असेसमेंट ईयर, बराबर है? 6 असेसमेंट ईयर तक के ओपन हो सकता था, मतलब 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, बराबर है? यानी मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना हो सकता था, 2019 हो सकता था। सो अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन द नोटिस फॉर रीओपनिंग ऑफ सच असेसमेंट कुड हैव बीन इशूड बाय 31 मार्च 2019, कुड हैव बीन इशूड बाय 31 मार्च 2019, बराबर है? अब नया लॉ आ गया,
नया लॉ आ गया, नए लॉ के हिसाब से 6 ईयर्स की जगह आप कितने इशू करोगे, 10 ईयर्स करोगे, 6 ईयर्स की जगह कितना करोगे, 12 ईयर्स करोगे। 10 ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो 12, 13 प्लस 10 ईयर्स मतलब 2023 तक के केस ओपन हो सकता है। यस चेक करो, बराबर है मालिक। अब अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ओल्ड लॉ के हिसाब से आप नोटिस कब तक के इशू कर सकते थे, मैक्सिमम बाय 2019। अब जैसे ही अमेंडमेंट आया होगा, 6 साल की जगह 10 साल तक के केस ओपन हो सकता है। 2012-13 असेसमेंट ईयर से 10 साल अगर पकड़े तो 22-23 आता है, मतलब लास्ट डेट बन जाती थी 31 मार्च 2023। अब सोचिए लॉ अमेंड हुआ, इस चक्कर में उन लोगों के केस जो ऑलरेडी बंद हो चुके थे या जिनका टाइम लिमिट खत्म हो चुका था, वो भी वापस से केसेस में आ जाते, और इससे अननेसेसरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बर्डन बढ़ जाता। तब जाके फर्स्ट प्रोविजो ऐड किया। फर्स्ट प्रोविजो ने कहा कि अगर मान लीजिए असेसमेंट ईयर 21-22 के पहले का केस है और उसका टाइम लिमिट ऑलरेडी खत्म हो चुका है एज पर द न्यू लॉ, उसका टाइम लिमिट ऑलरेडी खत्म हो चुका है एज पर द न्यू लॉ, तो उसका टाइम लिमिट ऑलरेडी खत्म हो चुका है एज पर द ओल्ड लॉ, तो न्यू लॉ के जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से वापस नोटिस इशू नहीं हो सकता। सो अंडर द न्यू स्कीम ऑफ असेसमेंट द नोटिस कैन बी इशूड फॉर 10 ईयर्स। सो एज पर द न्यू प्रोविजन सच नोटिस कुड हैव बीन इशूड बाय 31 मार्च 2023। हाउएवर ड्यू टू द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149 द नोटिस कैन नॉट बी इशूड सिंस द टाइम लिमिट ऑफ 6 ईयर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन राइट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। तो वापस से ध्यान से सुनिए, जनरली जो भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का केस आप ओपन कर रहे हैं, वहां से 3 साल तक के आप कभी भी केस ओपन कर सकते हो। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अगर 50 लाख से ऊपर है राइट, तो आप क्या कर सकते हो, 10 साल तक के केस कभी भी ओपन कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149 कहता है अगर असेसमेंट ईयर 21-22 के पहले का केस है और उसका टाइम लिमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो न्यू प्रोविजन के एप्लीकेबल नहीं होने वाले, अब नोटिस उनको इश्यू नहीं होगा। इससे फायदा ये हुआ कि बेनिफिट मिला असेसी को भी, प्लस अननेसेसरी बर्डन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आ सकता था वो केसेस ओपन करने का भी, निर्मला सीतारमन जी ने वो सब खत्म कर दिया। निर्मला सीतारमन जी ने क्या कर दिया, वो सब खत्म कर दिया। यस और नो राइट? अच्छा जी सर, अब ये जो 149 का टाइम लिमिट है ये एक्सटेंड होगा कितने पीरियड से, उतना पीरियड जितना नोटिस एंड अदर चीजें इशू करने के लिए लगा होगा वो सब एक्सक्लूड किया जाएगा। यानी प्योर टाइम जो एओ के पास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 ईयर्स और 10 ईयर्स। द टाइम लिमिट टू इशू नोटिस अंडर 148 शेल बी एक्सटेंडेड बाय फॉलोइंग टाइम। टाइम लिमिट और एक्सटेंडेड टाइम लिमिट अलाउड टू द असेसी टू फाइल रिस्पॉन्स टू द शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस को रिस्पॉन्स करने के लिए जितना टाइम लिमिट अलाउ किया गया एसएससी को, वो टाइम लिमिट क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग हैज बीन स्टेड बाय एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर मान लीजिए कोई स्टे ऑर्डर आ गया है कोर्ट के तरफ से, जितना टाइम पीरियड स्टे ऑर्डर के अंदर में लिखा था उतना टाइम लिमिट आपको क्या मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। यस, उतना टाइम लिमिट आपको क्या मिलेगा सर, बढ़ के मिल जाएगा। तो वापस से सुनिए, जनरली आप कितने सालों तक के केस ओपन कर सकते हैं रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से, 3 ईयर्स तक के। क्या 10 ईयर्स तक के भी जा सकते हो? यस, जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख या उससे ज्यादा होगी तो आप 3 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स तक के भी क्या करेंगे मालिक, जा पाएंगे। अच्छा जी सर, हालांकि असेसमेंट ईयर 21-22 के पहले का केस है और उसका टाइम लिमिट ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो न्यू प्रोविजंस, न्यू टाइम लिमिट्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जितना टाइम कोर्ट ऑर्डर का स्टे लगा है और जितना टाइम शो कॉज नोटिस के लिए इशू किया गया है, वो टाइम लिमिट क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। इसके बावजूद भी राइट, अगर एओ को ऑर्डर पास करने के लिए लेस देन 7 डेज है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 7 दिन से और क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेट से इफ एओ इज हैविंग लेस देन 7 डेज टू पास द ऑर्डर अंडर 148A, देन द एओ विल गेट द टाइम लिमिट ऑफ 7 डेज टू पास द ऑर्डर अंडर 148A एंड टाइम पीरियड टू इशू द नोटिस अंडर 148 शैल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड अकॉर्डिंगली। अब ये 148 का टाइम पीरियड जो है, इसको हम 2 मिनट के लिए होल्ड पे जाते हैं, हम 148A जैसे ही पढ़ेंगे वापस आके इस चीज को पढ़ेंगे। इसका और इसका एग्जाम्पल भी जो है मैं होल्ड पे डालता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यस सुनो, अच्छा जी, एक और प्रोविजन लाया गया है, एक बात समझ के, ये बस मैंने क्या किया है, होल्ड पे डाला है।
ये बस मैंने क्या किया है, होल्ड पे डाला है। 147 एक इतना आसान सेक्शन नहीं है जिसको आप पढ़ के रीड कर लो, मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है और आपको मल्टीपल टाइम इसको रीड करना होगा। हम भी मल्टीपल टाइम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, हम भी मल्टीपल टाइम क्या करेंगे सर, इसको रिवाइज करेंगे। चेक करिएगा, आपने पहले क्या कर दिया, अप्रूवल ले लिया। अप्रूवल लेने के बाद आपने क्या किया, आपने नोटिस इशू किया। अब ध्यान से सुनिए, ये जो एस्केप्ड इनकम होनी चाहिए 50 लाख या उससे ज्यादा की, राइट, 50 लाख या उससे ज्यादा की, ये रिप्रेजेंट कर सकती है असेट के फॉर्म में, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, कोई इवेंट या ओकेजन के फॉर्म में। अब आप सोच के देखिए, ये जो असेट है ये एक साल में तो आदमी ने बना नहीं लिया होगा, हो सकता है एक से ज्यादा सालों के अंदर में असेट बने होंगे, हो सकता है एक इवेंट या ओकेजन के ऊपर जो खर्चा हुआ होगा एक से ज्यादा साल में हुआ होगा। तो सिर्फ एक ही ईयर का नोटिस इश्यू होगा या उन हर ईयर का, जिन ईयर में ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उन ईयर का होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, मान लीजिए पहले एस्केप्ड इनकम जो थी, जो इनकम इसके पहले असेसी ने शो नहीं करी होगी, मोस्टली जो केसेस रेड में आने वाले होंगे वो, अब सोच के देखिए किसी ने इनकम एस्केप्ड करी होगी 50 लाख के ऊपर की, शो ही नहीं करी होगी, बराबर है। उससे उसने सबसे पहले लैंड खरीदा और लैंड के बाद उस पर बिल्डिंग भी बना दिया। लैंड जो खरीदा वो ईयर वन में खरीदा, बिल्डिंग जो बनाया वो ईयर थ्री के अंदर में बनाया। अब जो एस्केप्ड इनकम है ये तो एक से ज्यादा साल के अंदर में यूज हुई, विच इज नाउ रिप्रेजेंटिंग एज अ असेट, यस और नो? तो नोटिस क्या सिर्फ ईयर वन की इशू होगी या ईयर थ्री की भी इशू होगी, ये सवाल आया। इसके लिए सबसेक्शन 1A इंट्रोड्यूस किया गया, वेयर एस्केप्ड इनकम एक्सीड 50 लाख और मोर, राइट, द असेसमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट इन सच असेट एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एन इवेंट और ओकेशन हैज बीन मेड और इनकर्ड इन मोर देन वन प्रीवियस ईयर, द नोटिस शैल बी इशूड फॉर एवरी सच असेसमेंट ईयर। तो अगर खर्चा एक से ज्यादा सालों के अंदर में किया गया है, उन हर ईयर्स के लिए क्या किया जाएगा सर, नोटिस इशू किया जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, नीचे एग्जाम्पल लिखा है पढ़ लो, राइट right? चलो पहले यहां तक के मेरे साथ आओ, ये वाला पार्ट लिखो। सेक्शन 149, टाइम लिमिट टू इशू नोटिस, जनरली 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। एक्सेप्शनल केस अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, अप टू 10 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, इफ इनकम एस्केप्ड असेसमेंट इज 50 लाख और मोर, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एनी असेट्स एक्सपेंडिचर इवेंट ऑब्लिक ओकेजन, चलिए इसी के नीचे, इफ द असेसमेंट इज रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर
प्रायर टू असेसमेंट ईयर 21-22 देन एंड टाइम लिमिट एज पर ओल्ड प्रोविजन 4 ईयर्स ऑब्लिक 6 ईयर्स हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड देन नोटिस फॉर 3 ईयर्स ऑब्लिक 10 ईयर्स कैन नॉट बी इशूड. फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर 14-15 असेसमेंट ईयर 14-15 राइट नोटिस कैन बी इश्यूड मैक्स बाय 31 मार्च 2021 दैट इज 6 ईयर्स बट एज पर न्यू लॉ ऑफ सेक्शन 149 इट कैन बी इश्यूड बाय 31 मार्च 2025 सिंस द एक्सेप्शन टू सेक्शन 149 वर्क्स नोटिस कैन नॉट बी इश्यूड इन 31 मार्च 2025. बेटा चल ये हो गया. 3 साल 10 साल तक के केस कभी भी ओपन किए जा सकते हैं, ये पॉइंट आ गया. अभी हम लोगों ने एक्सेप्शन वाला पार्ट भी नहीं लिखा, ये वाला पार्ट भी नहीं लिखा. पहले हम लिखेंगे ये ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आए. इफ दी एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंडिचर ऑब्लिक इवेंट इज इनकर्ड इन मोर देन 1 ईयर नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इश्यूड फॉर ऑल सच असेसमेंट ईयर. शैल बी इश्यूड फॉर ऑल सच असेसमेंट ईयर. चलो यहां तक के क्लियर है. अब ध्यान से सुनना, यहां एक और अमेंडमेंट आया है, मतलब दिस इज द अनादर अमेंडमेंट इन द सीरीज. मान लीजिए अगर सर्च इनिशिएट होती है,
मतलब ये प्योर केस है किसका, रेड का। मान लीजिए अगर सर्च इनिशिएट होती है, यस इफ सर्च इज इनिशिएटेड कंप्लीटेड और रिक्विजिशन इज मेड आफ्टर 15th of March फॉर एनी असेसमेंट ईयर, अगर ये रेड होती है, असेसमेंट होती है, सर्च होती है और ये कंप्लीट होती है आफ्टर 15th of March ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, राइट, इन केस वेयर एओ हैज डीम्ड इंफॉर्मेशन दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। और ये हम मान लेते हैं, देखिए क्या होता है सर्च का जो केस होता है ना, सर्च के केस में मान लिया जाता है कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है एंड नोटिस कैन बी इशूड, ये लॉ है, ठीक है। अब मान लो अगर सर्च एंड सीजर हुई किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 15th of March के बाद, और एओ के पास क्योंकि सर्च हुई है मतलब इंफॉर्मेशन है दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, वेयर द इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 148 इमेनेट्स फॉर अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट्स इंपाउंडेड अंडर 131 133A बिफोर 31st March ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन सर्च कंप्लीटेड एंड द पीरियड ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस एक्सपायर्स ऑन 31st March ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, इन सच केसेस अ पीरियड ऑफ 15 days शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज पर सेक्शन 149। फर्दर द नोटिस इशूड अंडर 148 एंड 148A एज अ केस में बी शैल डीम टू हैव बीन इशूड ऑन 31st March ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। अब अगर आप इस लॉ के बेरैक्ट को पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा, और सर कुछ तो बड़बड़ कर रहा है एग्जाम्पल देगा तो समझ में आएगा करके आपने भी छोड़ दिया होगा। ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, समझिए इसे, पहले मैं एग्जाम्पल समझिए। यहां पे एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में एक छोटा सा करेक्शन कीजिए, यहां पे जो डेट है ये 31st मार्च 20th मार्च 2024 कर लीजिए, ये जो डेट है इसको 20th मार्च 2024 कर लीजिए, बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन अ केस अ सर्च इज कंडक्टेड ऑन 20th मार्च 2024, बराबर सर्च कंडक्ट हुई है, पहली बात सर्च अगर कंडक्ट हुई है मतलब एओ के पास इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केपिंग असेसमेंट, बराबर है। अगर ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख से नीचे है तो हम 3 असेसमेंट ईयर तक के कभी भी केस ओपन कर सकते हैं, राइट। एंड अगर ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 10 ईयर्स के लिए ओपन कर सकते हैं, कब बेटा, जब हमको लगता है दैट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख से ऊपर है। क्या आपको याद है ये सारी चीजें? तो हम जनरली केस कितने साल के लिए ओपन कर सकते हैं सर? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 3 ईयर्स तक के कभी भी हम केस ओपन कर सकते हैं, या फिर 3 ईयर्स की जगह हम 10 ईयर्स तक का भी केस ओपन कर सकते हैं अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख से ऊपर है। सर्च के केस में अज्यूम किया जाता है कि भैया एओ के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। अब इस केस में देखिए कुछ अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट को पहले एग्जाम्पल से समझो फिर प्रोविजन से समझना तो समझ में आएगा। सर्च कंडक्ट हुई है, सर्च कब कंडक्ट हुई है, 15th मार्च के बाद कंडक्ट हुई है, बराबर है। तो इन केस अ सर्च इज कंडक्टेड आफ्टर 15th मार्च ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, बराबर है, इस फाइनेंशियल ईयर दैट इज 23-24 फाइनेंशियल ईयर में अगर सर्च कंडक्ट हुई है, 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में अगर सर्च कंडक्ट हुई है, हम कौन कौन से साल के केस ओपन कर सकते हैं? जनरली 3 ईयर्स या 10 ईयर्स, 3 ईयर्स इन जनरल, 10 ईयर्स जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख के ऊपर होगा। तो अब इस प्रॉब्लम में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख के ऊपर तो बताया नहीं है, मतलब हम 3 ईयर्स तक के जा सकते हैं। द एओ हैज डीम्ड इंफॉर्मेशन दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, ही कैन इशू द नोटिस, कब कब के इशू नोटिस कर सकता है सर वो? सबसे पहले 2021, देख असेसमेंट ईयर 2021 है, मतलब 23-24, 31st मार्च 2024 तक के वो क्या कर सकता है, केस ओपन कर सकता है। अब देखिए जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका 1 से 1.5 साल तो सिर्फ क्या हो जाता है, समरी असेसमेंट कर, असेसमेंट कर, उसमें जितना टाइम लिमिट उसको दिया है, शो कॉज नोटिस के लिए दिया है, रिस्पॉन्ड करने के लिए दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें खत्म हो जाता है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस 3 ईयर्स के अंदर में ये जो 3 ईयर्स का टाइम लिमिट है ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था, बहुत सारे केसेस में आइडेंटिफाई किया गया। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, करंट फाइनेंशियल ईयर में 15 मार्च के बाद रेड हुई, बराबर है। अब 2021 असेसमेंट ईयर का केस 3 ईयर्स तक के ओपन हो सकता है, मतलब 21-22, 22-23, 23-24, बराबर है। 31st मार्च 2024 लास्ट डेट है। अब ध्यान से सुनो, तेरी रेड कंडक्ट हुई 20th मार्च 2024, तेरी रेड कंडक्ट हुई 20th मार्च 2024, लास्ट डेट
क्या बनती है? 31 मार्च 2024, मतलब प्रैक्टिकली तेरे पास कितने दिन बच गए? सिर्फ 12 डेज बच गए। प्रैक्टिकली तेरे पास कितने दिन बच गए? सिर्फ 12 डेज बच गए। अब नया अमेंडमेंट आया है, नया अमेंडमेंट कहता है कि मान लीजिए आपको जो करंट ईयर में आपने 15 मार्च के बाद रेड की है, करंट फाइनेंशियल ईयर में 15 मार्च के बाद आपने क्या की है, रेड की है, और उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के नोटिस इशू करने का जो टाइम लिमिट है, अगर वो 15 दिन से कम है, उस पर्टिकुलर ईयर के नोटिस इशू करने का जो टाइम लिमिट है वो 15 दिन से कम है, तो आपको 15 दिन एक्सटेंड होके मिलेंगे आफ्टर 30 मार्च। आपको 15 दिन एक्सटेंड होकर के मिलेंगे आफ्टर 31 मार्च, यस और नो? अब देखिए, ही कैन इशू द नोटिस, कौन कौन से ईयर की नोटिस इशू कर सकता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 की इशू कर सकता है, जो 31 मार्च 2024 तक की आ रही है, उसके बाद 21-22 की भी कर सकता है, 22-23 की भी कर सकता है, 23-24 की भी कर सकता है। नोटिसेस कोई भी पर्टिकुलर ईयर के लिए 148 के अंदर में इशू हो सकती है। सिंस 3 ईयर टाइम लिमिट फॉर दिस ईयर हैज नॉट एक्सपायर्ड एज ऑन द डेट ऑफ सर्च, हाउएवर फॉर 2021 द एओ हैज द पीरियड ऑफ ओनली 12 डेज फॉर इशू ऑफ नोटिस अंडर 148। सिर्फ 12 डेज बचा है उसके पास। आफ्टर इट वुड बी टाइम बार्ड, उसके बाद वो पर्टिकुलर ईयर 2021 का क्या नहीं कर पाएगा, केस ओपन नहीं कर पाएगा, अनलेस एंड अंटिल इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख से ऊपर हो। हेंस इन ऑर्डर टू अलाउ मोर टाइम टू एओ, इन ऑर्डर टू अलाउ मोर टाइम टू एओ फॉर असेसमेंट ईयर 2021, एओ कैन इशू द नोटिस अप टू 15 मार्च 2024, एंड सच नोटिस शैल डीम टू हैव बीन इशूड ऑन 31 मार्च 2024। वो 15 अप्रैल तक है, क्योंकि जो टाइम लिमिट बचा है वो 15 दिन से कम का बचा है। लॉ 15 दिन क्या कर देता है सर? एक्सटेंड कर देता है। मतलब लास्ट डेट क्या थी? 31 मार्च 2024। इसके आगे 15 दिन तक के भी वो कभी भी क्या कर सकता है? नोटिस इशू कर सकता है। और 15 अप्रैल तक के भी जो नोटिस इशू की गई है वो अज्यूम की जाएगी कि 31 मार्च को ही क्या की गई है, इशू की गई है। तो चलिए वापस से ध्यान से सुनते हैं। 149 के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो, मुझे लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जनरली आप कौन से ईयर का केस ओपन कर सकते हैं सर? जनरली जनरली आप केस ओपन कर सकते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जिस इन ईयर की इनकम एस्केप हुई है वहां से 3 साल तक आप कभी भी केस ओपन कर सकते हो। अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख से ऊपर है तो आप 10 साल तक के केस कभी भी ओपन कर सकते हो। यहां तक के क्लियर है मालिक पॉइंट? इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर ओल्ड लॉ के हिसाब से, मतलब केस अगर 21-22 के पहले का होगा और ओल्ड लॉ के हिसाब से टाइम लिमिट खत्म हो चुका होगा, तो फिर वापस से आप क्या नहीं कर सकते? न्यू लॉ के हिसाब से उसका केस ओपन नहीं कर सकते। क्लियर है? अब बढ़ते हैं और आगे, राइट? अब बढ़ते हैं और आगे। एक नया पॉइंट आया, नया पॉइंट कहता है कि मान लीजिए आपका रेड, ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ रेड के केस में आएगी, आपका जो रेड हुआ वेयर द सर्च इज इनिशिएटेड आफ्टर 15 मार्च ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। मतलब अब ध्यान से देखो, रेड का डेट अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में 15 मार्च के आगे है तो आपने इस अमेंडमेंट पे दिमाग लगाना, नहीं तो आपने इस अमेंडमेंट पे दिमाग भी नहीं लगाना है, नहीं तो आपने इस अमेंडमेंट पे क्या नहीं करना है, दिमाग भी नहीं लगाना है, बिल्कुल छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर रेड करंट फाइनेंशियल ईयर में 15 मार्च के आगे बढ़ रही है, राइट? रेड हुई है मतलब एओ हैज द इंफॉर्मेशन, बराबर है, एंड द पीरियड फॉर इश्यू ऑफ नोटिस एक्सपायर ऑन 31 मार्च ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर, और उसी फाइनेंशियल ईयर में पीरियड फॉर इश्यू ऑफ नोटिस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मान लीजिए रेड हुई है आफ्टर 15 मार्च ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, एंड टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस 31 मार्च को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इन सच केसेस द पीरियड ऑफ 15 डेज शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो यहां पे जो 15 डेज है ये आपको क्या मिलेंगे, एक्सक्लूड किए जाएंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। और यही एक्सक्लूड किए जाएंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन से, इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी आपका टाइम लिमिट है उसमें आपको 15 दिन क्या करके मिल जाएगा, एक्सटेंड करके मिल जाएगा। फर्दर द नोटिस इशूड अंडर 148 एंड शो कॉज नोटिस इशूड एज द केस में बी शैल डीम टू हैव बीन इशूड ऑन 31 मार्च ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। अब ये 15 दिन देने के बावजूद भी आपका जो नोटिस है ये क्या अज्यूम किया जाएगा, 31 मार्च को ही इशू किया है। वापस से एग्जाम्पल समझो, मान लो आपकी सर्च कंडक्ट हुई करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर में ऑन 20 मार्च 2024, मतलब अगर रेड अगर आपकी क्या हुई है, कंप्लीट हुई है 15 मार्च के बाद, रेड अगर आपकी क्या हुई है मालिक, कंप्लीट हुई है 15 मार्च के बाद, एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्टिकुलर असेसमेंट का टाइम लिमिट खत्म हो रहा है फॉर इशू ऑफ नोटिस, लेट्स से असेसमेंट ईयर 2021, इसका नोटिस कब तक के इशू होना चाहिए, 21-22, 22-23,
2023-24, मतलब फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टाइम लिमिट खत्म होने जा रहा है ऑन 31 मार्च 2024। से यस, टाइम लिमिट खत्म होने जा रहा है ऑन 31 मार्च 2024। अब कितने दिन बचे रेड के बाद इस नोटिस को इश्यू करने के लिए? भैया रेड होगी, रेड के बाद सब सीज करेंगे, भैया टाइम लिमिट तो मिलना चाहिए ना डिपार्टमेंट को भी। अब रेड ही कंडक्ट हुई आपकी 20 मार्च 2024 को, और टाइम लिमिट खत्म हो रहा है नोटिस इशू करने का मात्र 12 दिन के अंदर में। ऐसे केस में 15 मार्च के बाद 31 मार्च या 30 मार्च व्हाट सो एवर आपके पास सिर्फ 15 दिन बचते हैं। ये 15 दिन क्या किए जाएंगे? एक्सक्लूड किए जाएंगे फ्रॉम द ओवरऑल टाइम लिमिट। मतलब आपको 15 दिन और क्या करके मिलेंगे? एक्सटेंड करके मिलेंगे। द एओ कैन इशू द नोटिस अप टू 15 अप्रैल 2024। ये 15 दिन आपको क्या कर दिए जाएंगे? एक्सटेंड करके दे दिए जाएंगे। और क्योंकि ये 15 दिन वो लोग क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं मालिक, आप नोटिस 15 अप्रैल 2024 तक के इशू कर सकते हो, पर लॉ अज्यूम करेगा कि आपने नोटिस कभी इशू कर दी? 31 मार्च को ही इशू कर दी। सीधे शब्दों में ये 15 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है किसको? डिपार्टमेंट को। प्रोविजन किसके फेवर में आई है? डिपार्टमेंट के फेवर में आई है। समझ में आ रही है बात? चलिए चेक कीजिए, लिखिए ये अमेंडमेंट। इफ सर्च इज कंडक्टेड आफ्टर 15 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड बीच में के सारे वर्ड कर दो जो काम के नहीं है, एंड टाइम लिमिट टू इश्यू नोटिस विल बी कंप्लीटिंग फॉर एनी असेसमेंट ईयर एज ऑन 31 मार्च ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर, द टाइम लिमिट ऑफ 15 डेज शेल बी ऑफ 15 डेज मोर शेल बी अवेलेबल टू एओ टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 148। फॉर एग्जाम्पल, फॉर असेसमेंट ईयर 2021 नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड टिल 31 मार्च 2024, दैट इज 3 ईयर्स। बराबर है? रेड कंडक्टेड ऑन लेट से 18 मार्च 2024, नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इश्यूड टिल 15 अप्रैल 2024, एंड लॉ विल अज्यूम दैट नोटिस इज इशूड ऑन 31 मार्च 2024। सीधे शब्दों में 15 दिन क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहा है। किसको मिल रहा है? एओ। तो असेसी के फेवर में नहीं, डिपार्टमेंट के फेवर में प्रोविजन है। चेक कर लो मालिक।
बहुत बढ़िया। तो देखो सिर्फ 149 के लिए हम लोग को कितना टाइम लग रहा है। जनरली 3 असेसमेंट ईयर तक के आप क्या कर सकते हो, केस ओपन कर सकते हो। तो मान लो असेसमेंट ईयर 22-23 का केस कब तक के ओपन हो सकता है, 24-25-26, लास्ट डेट क्या बनती है इसकी, 31 मार्च 2026। मान लो रेड कंडक्ट हुई कितने तारीख को, 22 मार्च 2026 को रेड कंडक्ट हुई, कब बेटा, 22 मार्च 2026 को, बराबर है। अब उसके पास जो टाइम लिमिट बचा है, वो तो सीधे शब्दों में लेस देन 15 दिन ही बचा है। आपका टाइम लिमिट कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है, 15 दिन एक्स्ट्रा देंगे उसको। अब वो 15 अप्रैल 2026 तक के कभी भी अपना क्या कर सकता है, 148 का नोटिस इशू कर सकता है। पर लॉ ये अज्यूम करेगा कि नोटिस कभी इशू हो गया, 31 मार्च 2026 को ही इशू हो गया। क्लियर। चलो तो 3 साल या 10 साल कभी भी चलेगा। अगर ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से टाइम लिमिट खत्म हो चुका होगा तो न्यू प्रोविजन के हिसाब से टाइम लिमिट नहीं आ सकता। एक से ज्यादा ईयर में अगर खर्चा, इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर किया होगा, लॉ ये अज्यूम करेगा कि उस हर ईयर के लिए आपको क्या इशू करना है, नोटिस इशू करना है। अगर 15 मार्च के बाद रेड कंडक्ट हुई है और उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ही कोई पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का क्या कर रहा है, टाइम लिमिट खत्म हो रहा है फॉर इशू ऑफ नोटिस, केस है रेड का, तो 15 दिन क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। सर मान लो अगर ये रेड का केस नहीं होता, क्या ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, द आंसर इज नो। अगर ये रेड का केस नहीं होता, तो आपको क्या नहीं मिलेगा, टाइम लिमिट ये एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल है जब सर्च हुई हो। ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल है जब क्या हुई हो, मालिक, सर्च कंडक्ट हुई हो। तो चलो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीअसेसमेंट करना है, मतलब पहले अप्रूवल लेंगे। पहले 3 साल तक के किससे लेंगे, सीआईटी डीआईटी से लेंगे, 3 साल के ऊपर सीसीआईटी एंड डीआईटी से लेंगे, इस साल एक अमेंडमेंट आया है, पहला अमेंडमेंट यहां आया है, 3 साल के ऊपर वाले केस प्रिंसिपल सीसीआईटी या प्रिंसिपल डीआईटी भी क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। ये हुआ पहला अमेंडमेंट इन सीरीज के अंदर में। दूसरा भैया, आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस इशू करना पड़ेगा। नोटिस कब तक के इशू कर सकते हैं, 3 साल 10 साल तक के आप क्या कर सकते हो, नोटिस इशू कर सकते हो। तो ये था सीरीज का दूसरा सेक्शन। अब सीरीज का तीसरा सेक्शन आता है, सेक्शन 150। अब ये सेक्शन 150 क्या कहता है, सेक्शन 150 बड़ा कमाल कहता है सर, जो भी कहता है। सेक्शन 150 कहता है, मान लीजिए अगर ये रीअसेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, आप किसी कोर्ट के ऑर्डर से कर रहे हैं, आप किसी कोर्ट के ऑर्डर से कर रहे हैं, तो कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस मान लीजिए केस कोर्ट में गया और कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या किया, ऑर्डर दिया कि भैया आप क्या करिए, इस आदमी का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करिए, रीअसेसमेंट करिए। अब भले ही 3 साल 10 साल खत्म हो चुके हो, क्या तो भी केस ओपन हो सकता है, आंसर इज यस, आंसर इज यस। और यही एक्सेप्शन क्रिएट करता है सेक्शन 150। ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 150, नोटिस अंडर 148 कैन बी इशूड एट एनी टाइम, नोटिस अंडर 148 कैन बी इशूड एट एनी टाइम फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट इन ऑर्डर ऑफ, ओइंग टू एन ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आईटीएटी और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट अंडर एनी अदर लॉ। तो मान लो अगर आपको सीआईटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या आईटीएटी का ऑर्डर आया है और आपको रीअसेसमेंट करने बोला है, तो फिर ऐसे केस में ये जो टाइम लिमिट आपको दिख रहा है ना, कौन सा टाइम लिमिट, 3 साल और 10 साल, ये एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब मान लो कोई पर्टिकुलर केस का 15 साल बाद भी असेसमेंट ओपन होना है और कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो हो सकता है। गेटिंग इट। चलो आओ, इन सेक्शंस को ना बेटा मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सर, इस लेक्चर के एंड में आप सर वीडियो को लाइक भी करोगे और बोलोगे सर मजा आ गया पढ़ के। सेक्शन 150, नो टाइम लिमिट, देयर विल बी नो टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 इफ ऑर्डर टू डू रीअसेसमेंट इज पास्ड बाय सीआईटी अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आईटीएटी
डेरिवेटिव। चलो, सो सबसे पहले आपने अप्रूवल ली, अप्रूवल लेने के बाद ये चेक किया कि क्या हम नोटिस भेज सकते हैं, क्या हमारे पास टाइम है क्या, और अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो आपने तो सोचना ही नहीं है, आपने क्या करना है, सोचना ही नहीं है, बिंदास नोटिस इशू कर देनी है। अब देखिए, निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया था 148A। जनरली इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जब भी होता था ना, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलता था, और फिर इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉ थे, इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉ थे कि भैया यू नो हर असेसमेंट में असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो मिलनी चाहिए। यस, अब ये उसका बेसिक राइट है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। निर्मला सीतारमन जी ने इन सेक्शन को अमेंड करके क्या किया था, एक और सेक्शन लेके आया था, सेक्शन 148A। ये सेक्शन कहता है कि भैया अगर आपको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करनी है तो असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। अगर असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया तो ये पूरा असेसमेंट ही क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ये पूरा असेसमेंट ही क्या हो जाएगा, इनवैलिड। और इसके लिए पूरा प्रोविजन निकाला सेक्शन 148A, इसके लिए पूरा प्रोविजन निकाला सेक्शन 148A। तो चेक करिए सेक्शन 148A क्या बोल रहा है सर। सेक्शन 148A बोल रहा है प्रोसीजर बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस, मतलब आप समझ रहे हैं, नोटिस इशू करने के पहले के प्रोसेस पढ़ रहे हैं भाई साहब अपन, नोटिस इशू करने के पहले के प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपन। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोसीजर शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्च सीजर एंड रिक्विजिशन। पहली बात, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हम नहीं देंगे सर्च सीजर और रिक्विजिशन में। जाहिर सी बात है, जब आपके घर में रेड के अंदर में चीजें मिल जाएंगी फिर आपको किस बात की अपॉर्चुनिटी देंगे। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये जो मिलना है, ये रेड के केसेस में नहीं मिलना, बाकी अदर केसेस में मिल जाएगा। क्या होगा सर इस केस में, एओ शेल बिफोर इशुइंग अ नोटिस, एओ बिफोर इशुइंग अ नोटिस, क्या बोला बेटा, बिफोर इशुइंग अ नोटिस शेल कंडक्ट एन इंक्वायरी, ग्रांट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कंसिडर द रिप्लाई ऑफ असेसी, एंड एओ शेल डिसाइड विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई इज रिसीव्ड बाय हिम, और वेयर नो सच रिप्लाइड विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टाइम लिमिट एक्सपायर। तो जरा ध्यान से सुनिए क्या होगा, एओ सबसे पहले अदर देन सर्च केसेस में क्या करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देगा, भैया उसकी भी सुनी जाएगी, यानी ये जो नोटिस होगा ये शो कॉज नोटिस होगा, एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, और शो कॉज नोटिस में कहा जाता है कि भैया आप रिप्लाई करें कि क्यों आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ना हो, राइट। सो अ शो कॉज नोटिस इज इशूड टू द असेसी एक्सपेक्टिंग हिम टू रिप्लाई दैट व्हाई व्हाई शुड नॉट वी डू द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। यस, अच्छा ये जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड है क्या इसका भी कोई टाइम लिमिट है, आंसर इज येस। एओ शैल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड By serving upon him a SCN, that is show cause notice, being not less than 7 days but not exceeding 30 days from the date on which such notice is issued or such time as the case may be. असेसी को रिप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। अब असेसी के पास कितना टाइम है रिप्लाई करने का, मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। असेसी के पास कितना टाइम लिमिट है, मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 30 दिन का उसके पास क्या है बेटा, टाइम लिमिट है, राइट। इन शॉर्ट, एओ मिनिमम 7 दिन तो देगा ही और मैक्सिमम 30 दिन देगा रिप्लाई करने के लिए, बराबर है। दो बातें होंगी, रिप्लाई आया नहीं आया, रिप्लाई आया एओ शैल कंसिडर द रिप्लाई। मान लो रिप्लाई नहीं आया तो उस केस में जैसे ही 1 महीना एक्सपायर होगा उस एक्सपायरी से 1 month में, या रिप्लाई आ गया तो जिस मंथ रिप्लाई आया है उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर में, तो दो सिचुएशन होगी, रिप्लाई आया रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई आया तो जिस मंथ में आया उस मंथ के एंड से 1 month के अंदर में, या रिप्लाई आया ही नहीं तो जैसे 1 month खत्म होता है वहां से 1 महीने के अंदर में एओ डिसाइड करेगा क्या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है या नहीं करना है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है या नहीं करना है। गेटिंग द पॉइंट, नो अपील, नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 148, नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 148। असेसी कैन फाइल अ रिट पिटिशन टू हाई कोर्ट इफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट कंप्लाइड टू द एओ। यस, ऐसे कोई भी नोटिस के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। असेसी को अगर लगता है कि ऐसा कोई नोटिस इसको नहीं मिला उसके बावजूद केस हो गया, तो वो सीधा हाई कोर्ट में जाकर के क्या कर सकता है सर, रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। सीधा हाई कोर्ट में जाके क्या कर सकता है सर, रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। अगर आपको अभी रिट पिटिशन एंड अदर वर्ड नहीं भी समझ में आ रहे होंगे, डरना मत, अगला चैप्टर अपील है उसमें समझ में आएंगे, राइट। तो चलो ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, हालांकि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत नहीं है। कौन से केस में, सर्च के केस में,
सेक्शन 148 ए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर नॉट अवेलेबल। इन केस ऑफ अदर एओ शल इशू शो कॉज नोटिस बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 एंड गिव टाइम टू असेसी टू रिप्लाई ऑन सच शो कॉज नोटिस मिनिमम 7 डेज मैक्सिमम 30 डेज। मिनिमम 7 डेज मैक्सिमम 30 डेज। असेसी रिप्लाइड डू नॉट रिप्लाइड। असेसी रिप्लाइड एओ शेल डिसाइड द इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 और नॉट विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई इज रिसीव्ड। अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ एओ शेल डिसाइड टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 और नॉट। डन है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, 148A। डन है सर। ऊपर आइए। यहां हमने एक पार्ट छोड़ा था 149 के नोटिस के अंदर में, एक पार्ट छोड़ा था। ये पार्ट को देखने का अब समय आ चुका है। प्लीज ऊपर आइए 149 के अंदर में, राइट थर्ड पॉइंट पे आइए। इफ एओ इज हैविंग लेस देन 7 डेज टू पास द ऑर्डर अंडर 148A, देन एओ विल गेट द टाइम ऑफ 7 डेज टू पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 एंड द टाइम पीरियड फॉर इशू ऑफ नोटिस शेल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड अकॉर्डिंगली। तो लॉ कहता है, मान लीजिए ये जो ओओबीएच का टाइम लिमिट है, ये देने के लिए एओ के पास अगर 7 दिन से भी कम का समय बचा है,
7 दिन से भी कम का समय बचा है तो उसको एक्स्ट्रा 7 डेज मिलेंगे, वॉट एवर इज द टाइम लिमिट प्लस 7 डेज उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अकॉर्डिंगली यही 7 दिन नोटिस इशू करने के लिए भी क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। यही 7 दिन नोटिस इशू करने के लिए भी क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। फॉर असेसमेंट ईयर 1920 एओ गेट्स इन्फॉर्मेशन दैट इनकम ऑफ 40 लाख हैज एस्केप्ड असेसमेंट। एओ इशूड द नोटिस अंडर 148A ऑन 30 मार्च 2023 टू असेसी टू फाइल द रिस्पॉन्स टिल 5/4/2023। द असेसी फाइल द रिस्पॉन्स ऑन द शो कॉज नोटिस ऑन 28 मार्च 2023। सोल्यूशन, इन दिस केस एओ हैज टू पास द ऑर्डर अंडर 148 टिल 30 अप्रैल 2023। अब आप पूछेंगे कैसे टिल 30 अप्रैल 2023। देख 1920 का अगर ऑर्डर है, ध्यान से सुन, 1920 का अगर असेसमेंट ईयर है, इसका ऑर्डर कब तक के पास हो जाना चाहिए, विद इन 3 ईयर्स, तो 21, 22, 23 यानी 31 मार्च 2023 लास्ट टाइम है जब तक के एओ क्या कर सकता है, नोटिस इशू कर सकता है अंडर 148। लेकिन हमें याद रखना होगा 148 का जब हम लोग नोटिस इशू करते हैं, 148 का नोटिस इशू करते हैं उतना टाइम जितना ओओबीएच के लिए दिया है उतना क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। और ये एक्सक्लूजन के बाद भी अगर 7 दिन से कम बचा है टाइम लिमिट तो और 7 दिन क्या किया जाएगा, एक्सटेंशन में मिलेगा। अब ध्यान से सुन, असेसी ने कब रिस्पॉन्ड किया, हमने 10 मार्च को क्या किया था, उसको शो कॉज नोटिस इशू किया था और कहा था 5 अप्रैल 2023 तक के तू रिप्लाई दे दे। उसने रिप्लाई 28 मार्च को ही दे दिया, दैट इज 28 मार्च को ही दे दिया। अब जब वो रिप्लाई देते हैं उस मंथ के एंड से 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना पड़ता है, नोटिस इशू करना पड़ता है अंडर 148। ये डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया 148 का नोटिस इशू करूं या नहीं। तो असेसी ने रिप्लाई किया, असेसी ने रिप्लाई करते ही जिस मंथ रिप्लाई आया उस मंथ के एंड से 30 दिन के अंदर में अब क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि भैया नोटिस इशू करना है। तो मान के चलते हैं अगर उसने 28 मार्च को क्या किया है, रिप्लाई किया है, तो 28 मार्च का एंड कब आया, 31 मार्च, वहां से 30 दिन मतलब 30 अप्रैल तक के एओ ऑर्डर इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 148। सो इन दिस केस एओ हैज द पावर टू इशू नोटिस अंडर 148 टिल 30 अप्रैल 2023। यहां तक के समझ में आया सभी को, येस और नो, राइट? अब ध्यान से सुन, जितना टाइम लिमिट किसको मिला था, शो कॉज नोटिस इशू करने का दिया था, वो 148 में और ऐड हो जाएगा, बराबर है? अब कितना टाइम लिमिट यहां पे दिया था आपको जरा देखो, 10 मार्च से लेकर के, आई गेस कुछ आवाज भी आ रही है, 2 सेकेंड के लिए, 30 मार्च से लेकर के, ध्यान से सुनना, 30 मार्च से लेकर के उसने रिस्पॉन्ड कब किया, 28 मार्च, बोथ डे इंक्लूसिव, यानी अगर मैं बात करूं 20 दिन हो गए आपके, यहां 20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि जितना टाइम आपको शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए, जितना टाइम असेसी का रिप्लाई करने के लिए मिला था उतना 148 में आपको क्या मिलेगा, टाइम एक्सटेंड होकर के मिलेगा। प्लस अब ध्यान से सुनिएगा, आपको अपना नोटिस कब तक के इशू करना था, 31 मार्च 2024 तक के आपको आपका नोटिस इशू करना था, लेकिन असेसी ने रिप्लाई ही कब दिया, असेसी ने रिप्लाई ही कब दिया, असेसी का रिप्लाई आया 28 मार्च 2023। अब 2 दिन मतलब यू हैव लेस देन 7 डेज टू पास द ऑर्डर, तो 20 दिन तो आपको किसके मिलेंगे भैया, 20 दिन तो आपको मिलेंगे कि भैया जितना टाइम लिमिट आपने क्या किया है, शो कॉज देने में यूज किया है, वो एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस 7 डेज और मिलेंगे। 7 डेज क्यों मिलेंगे, लॉ ही यही कह रहा है, इफ एओ इज हैज लेस देन 7 डेज टू पास द ऑर्डर अंडर 148A देन एओ विल गेट टाइम ऑफ 7 डेज टू पास द ऑर्डर। मतलब अब आप ध्यान से सुनिएगा क्या होगा सर, टाइम लिमिट टू इशू नोटिस अंडर 148 शेल बी 31 मार्च 2023, प्लस आपको 27 दिन और मिल जाएंगे, प्लस आपको 27 दिन क्या मिल जाएंगे और मिल जाएंगे, दैट इज ऑर्डर कैन बी इशूड टिल 27 अप्रैल 2023। सिंस नोटिस अंडर 148 इज इशूड अलॉन्ग विथ 148A, नोटिस इज इशूड अलॉन्ग विथ 148A, द एओ विल नोट इशू द नोटिस अंडर 148A एंड पास ऑर्डर अंडर 148A टिल 27 अप्रैल 2023। चेक करो,
डन है मालिक। तो यहां आकर के हमें एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। टू पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 148A देन द टाइम लिमिट टू पास ऑर्डर अलोंग विथ द ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 शेल बी एक्सटेंडेड बाय 7 days, शेल बी एक्सटेंडेड बाय 7 days। डन है मालिक। तो चलो अब ध्यान से सुनना क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले सर, सबसे पहले क्या किया जाएगा, रीअसेसमेंट करना है तो अप्रूवल लिया जाएगा। अप्रूवल के बाद क्या होगा, हम लोग टाइम लिमिट चेक करेंगे कि नोटिस भेज सकते हैं या 3 साल 10 साल वाला प्रोविजन। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर आया होगा तो कोई टाइम लिमिट नहीं रहने वाला। इसके बाद क्या करना होगा, नोटिस भेजने से पहले OOBH देना होगा। क्या देना होगा सर, OOBH देना होगा। अब एक और प्रोविजन लाया 148B, एक और प्रोविजन लाया 148B, राइट। इन केस वेयर सर्च इज इनिशिएटेड अंडर 132 इन केस ऑफ एन एसएससी और एनी अदर पर्सन, सर्वे इज कंडक्टेड अंडर 133A अदर देन द टीडीएस सर्वे, देन असेसमेंट और री असेसमेंट शैल नॉट बी मेड बाय एओ बिलो द रैंक ऑफ जेसी एक्सेप्ट विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ एसी एडी जेसी जेडी। तो इन्होंने क्या कहा, मान लीजिए अगर आप री असेसमेंट ओपन कर रहे हैं आफ्टर सर्च एंड सीजर, अगर आप री असेसमेंट ओपन कर रहे हैं आफ्टर सर्च एंड सीजर या सर्वे, देन असेसमेंट और री असेसमेंट कौन करेगा, इट शेल बी डन बाय एओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी। तो भैया जेसी के लेवल का ही ऑफिसर करेगा, और जेसी के नीचे वाला ऑफिसर अगर असेसमेंट करना चाह रहा है तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एसी एडी जेसी या जेडी से। तो सीधी सी बात है, रेड वाले केसेस लोअर लेवल ऑफिसर्स के पास नहीं रखे गए हैं, एटलीस्ट ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के पास क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। इसको अगर मैं बड़े ही कम शब्दों में लिखना चाहूं, सेक्शन 148B प्रायर अप्रूवल सर्च केसेस ऑब्लिक सर्वे केसेस कवर्ड अंडर रीअसेसमेंट शैल बी डन बाय एओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी और प्रायर अप्रूवल ऑफ एसीडीसी जेसी जेडी शेल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द असेसमेंट बाय एनी अदर एओ इन केस ऑफ सर्च। इन अदर केसेस असेसमेंट और री असेसमेंट कैन बी डन बाय एनी एओ। इन अदर केसेस असेसमेंट और री असेसमेंट कैन बी डन बाय एनी एओ।
मालिक। तो भैया सर्च सर्वे वाले केसेस का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कौन हैंडल करेगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ जीसी। और भैया कोई और व्यक्ति है, कोई और केस है, तो कोई भी एओ हैंडल कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है मालिक? चलो आओ सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं सर, एक एक सेक्शन। सबसे पहले अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल लेने के बाद ये चेक करेंगे कि टाइम लिमिट है क्या नोटिस इशू करने का। कोर्ट का केस है तो हमें टाइम लिमिट देखना ही नहीं है। फिर नोटिस इशू करने से पहले ओओबीएच देख लेंगे, फिर असेसमेंट करने से पहले ये देखेंगे कि भैया सर्च वाले केस है या अदर है। सर्च वाले केसेस है तो जेसी हैंडल करेंगे, और उसके बिलो के केसेस है या कोई अदर केसेस है तो कोई भी एओ हैंडल कर सकता है। अब हम फाइनली आते हैं नोटिस अंडर सेक्शन 148 पे। अब ये नोटिस अंडर सेक्शन 148 क्या है? आपने इतनी रामायण तो बार बार 148 के तहत सुन ली, अब ये 148 क्या है प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए मान लीजिए कोई भी असेसी है जिसका लेट से 21-22, राइट, 21-22 में कुछ इनकम एस्केप हो गया होगा, ना वो 143 में पकड़ाया गया ना वो 144 में पकड़ाया गया, दोनों का टाइम लिमिट भी असेसमेंट का क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो क्या ऐसे केस में वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे केस में उसको पकड़ा जा सकता है, हम उसको फिर से असेसमेंट में ला सकते हैं यूजिंग द पावर अंडर सेक्शन 148। मान लीजिए आगे के कभी ईयर्स के अंदर में किसी और फाइल को वो चेक कर रहा था, या असेसी की फाइल को क्या कर रहा था, वो चेक कर रहा था, चेक करते करते उसको समझ में आया, आई ला इसी असेसी का मैंने कुछ दिनों पहले ट्रांजैक्शन किया था, उसके अंदर में तो मैंने ये पकड़ा ही नहीं, और उसके बाद में ध्यान में आता है कि यार ये केस तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का होना चाहिए, या इसके ऊपर तो क्या लगना चाहिए था, टैक्स लगना चाहिए था, पर मैंने उस फलाना फलाना फाइल में ऐसा नहीं किया, वो केस को वो ओपन कर सकता है। 148 क्या करवाता है? 148 उस असेसी को सबसे पहले नोटिस देख करके बोलता है रिटर्न भर। कौन से साल का रिटर्न भरना है? जिस साल की इनकम एस्केप हुई है, एओ के पास इंफॉर्मेशन है कि इस साल की इनकम क्या हुई है, एस्केप हुई है, तो उस पर्टिकुलर ईयर या एक से ज्यादा ईयर्स के लिए वो क्या करवाता है, रिटर्न भरवाता है। यानी 148 का सोल काम क्या है, असेसी से फिर से क्या करवाना, रिटर्न भरवाना। ये जो रिटर्न भरवाया जाएगा ये रिटर्न इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का होता है, ये रिटर्न सेपरेटली भरा जाता है। 148 का नोटिस आया तो आपने बिल्कुल मान करके चल लेना ऑफिसर्स के अंदर में कि भैया इसके तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट लग गए, अब इसकी फाइल बड़े में ओपन होगी। अब इसकी फाइल कैसे ओपन होगी सर? बड़े में अब इसकी फाइल ओपन होगी। तो अब क्या होता है, 148 का जैसे ही आप नोटिस इशू करते हो ना मालिक, 148 का जैसे ही नोटिस इशू करते हो, असेसी को क्या करना पड़ता है, वापस से रिटर्न भरना पड़ता है, और ये पूरी चक्री क्या हो जाती है, वापस शुरू होती है। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, जरा इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जाओ। देखो जैसे ही असेसमेंट और रीअसेसमेंट 147 के अंदर में ओपन हुआ, आपको क्या कहा जाता है, आफ्टर फाइलिंग रिटर्न असेसमेंट विल स्टार्ट अगेन। ये रिटर्न सीधा सीधा क्या किया जाता है, असेसमेंट के लिए लिया जाता है। ये रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हैं, ये अज्यूम किया जाता है ये रिटर्न 139 के अंदर में फाइल हुआ है। अब रिटर्न फाइल हुआ है और केस 148 का है, मतलब मैंडेटरी असेसमेंट में आ जाता है। यहां से असेसी से कुछ और इंफॉर्मेशन मंगाने के राइट वापस से चालू होते हैं सेक्शन 142 के अंदर में। 142 के अंदर में जैसे ही उससे इंफॉर्मेशन आती है और डिटेल में चेकिंग होती है कि भैया क्या सच में इनकम एस्केप हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और आपका असेसमेंट वापस से होता है या तो 143 के अंदर में या तो 144 के अंदर में। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो आपसे कह रहा था, असेसमेंट दो ही प्रकार के होते हैं, 143, 144। 147 इज जस्ट अ पावर टू ओपन द असेसमेंट अगेन। 147 इज जस्ट अ पावर टू ओपन द असेसमेंट अगेन। अब समझ में आया, धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, बात समझना। तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये हमारे साथ चालाकी कर रहा है। मान लो अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के केस में उससे असेसमेंट के अंदर में छूट गया, पहले समरी असेसमेंट में भी छूट गया, रेगुलर असेसमेंट में भी छूट गया, और 3 साल या एज द केस में भी 10 साल के अंदर में उसको ध्यान में आ जाता है कि यार इसके अंदर तो इनकम एस्केप हुई है, वो क्या करेगा, असेसी को नोटिस इशू करेगा आफ्टर गिविंग ओओबीएच, आफ्टर गिविंग ओओबीएच, और बोलेगा बेटा रिटर्न भर। 148 के तहत उससे रिटर्न भरवाएगा, ये रिटर्न जैसे ही सबमिट होता है वापस से डिपार्टमेंट क्या चालू कर देगा, असेसमेंट चालू कर देगा, और एक्चुअली जो असेसमेंट होगी या तो 143 में होगी, प्यार से सारा कंप्लायंस कर रहा है तो, नहीं तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो होनी ही है, नहीं तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो मालिक होनी ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? तो चलिए अब आते हैं 148 के ऊपर। 148 के ऊपर सर नोटिस, ईमानदारी से बताओ अगर सेल्फ पढ़ने बैठ जाते इतना हो पाता है एक दिन में? नहीं हो पाता। यही आपको फास्ट ट्रैक में करवाया जाता है, कंटेंट कहीं पे भी मिसिंग नहीं रहेगा सर, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी।
वर्ड देखिए क्या है, बिफोर मेकिंग असेसमेंट री असेसमेंट। अगर आप सेक्शन को ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे दोनों वर्ड कवर हो रहे हैं, असेसमेंट और री असेसमेंट। मतलब फर्स्ट टाइम असेसमेंट भी हो सकता है, री असेसमेंट भी हो सकता है, रिकम्प्यूटेशन भी हो सकता है अंडर 147 एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 148। आप ध्यान से समझिए वहां पे वर्ड क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 148। मतलब हम नोटिस तब तक इशू नहीं कर देते जब तक 148 दैट इज ओओबीएच का कंप्लायंस ना हो। लेकिन याद रखें सर्च के केस में ओओबीएच करने की जरूरत नहीं है, याद है आपको। तो बिफोर मेकिंग असेसमेंट री असेसमेंट एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन 148 एओ शैल सर्व ऑन द असेसी अ नोटिस टू फाइल द रिटर्न। ये जो नोटिस है ये नोटिस काय के लिए होती है, टू फाइल द रिटर्न ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। सच रिटर्न शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज इशूड। अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, ये तीसरा सेक्शन है 147 की सीरीज में जहां पे आपको अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है साहब। तीसरा सेक्शन है जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है। यहां पे इसके पहले साल तक के कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा था कि ये रिटर्न कब तक के सबमिट करना है, इस साल से आपको टाइम लिमिट ला दिया गया है कि ये रिटर्न भी आपको कब तक सबमिट करना है। सच रिटर्न शैल बी फाइल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज इशूड। जिस मंथ में आपको 148 का नोटिस इशूड हुआ है उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर में आपको क्या करना है, ये रिटर्न भरना है। क्या आपको फर्दर पीरियड भी दिया जा सकता है, हाँ फॉर गुड एंड वैलिड रीजन दिया जा सकता है। सच फर्दर पीरियड और सच फर्दर पीरियड एज मे बी अलाउड बाय एओ ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन मेड इन दिस रिगार्ड। तो जी हाँ अमेंडमेंट आया है मई 24 नवंबर 24 वालों, प्लीज जरा ध्यान से सुनना, अमेंडमेंट आया है। अब आपको ये जो रिटर्न भरना है 148 के अंदर में वो 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच नोटिस इज इशूड सबमिट करना है। नोटिस कैन बी इशूड ओनली इफ एओ हैज इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट एंड एओ टेन प्रायर अप्रूवल अंडर 151। ये नोटिस तभी इशू हो सकती है जब एओ के पास क्या है बेटा, कंफर्मेशन है कि कोई इनकम क्या हो चुकी है, एस्केप हो चुकी है असेसमेंट से और वो प्रायर अप्रूवल ले चुका है। हमने तो पहले ही बोल दिया प्रायर अप्रूवल पहले लेके आना है फिर 148 के अंदर में आना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो 148 रिपीट करते हैं। आप देखिए ये पूरे सीरीज के सेक्शन में एटलीस्ट दो दो बार आपको क्या करवा हो, रिपीट करवा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। यस तो चलो वापस से 148 क्या करवाएगा अब आपसे, एओ को कभी भी, एओ के पास अगर इंफॉर्मेशन है कि इनकम एस्केप हुई है, एओ उन इयर्स और ईयर के लिए क्या करवाएगा, आपसे रिटर्न भरवाएगा। सर मैंने तो उस साल का रिटर्न ऑलरेडी भरा हुआ है, वो रिटर्न की बात नहीं चल रही है, ये एडिशनल भरना पड़ेगा, ये एडिशनल भरना पड़ेगा। वो रिटर्न जो आपने सबमिट किया वो अलग हो गया, ये एडिशनल रिटर्न है जो आपको सबमिट करना है। ये क्या है बेटा, एडिशनल रिटर्न है जो आपको क्या करना है, सबमिट करना है। अच्छा जी सर, कब तक के, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज इशूड। आते जाओ, स्टार्ट करेंगे मालिक सेक्शन 148 नोटिस फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। नोटिस फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 एओ मे इशू द नोटिस फॉर असेसमेंट ऑब्लिक री असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन 148 ए। नोटिस रिक्वायर द असेसी टू फाइल रिटर्न इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड सच रिटर्न शैल बी फाइल्ड विद इन 3 months अमेंडमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच
नोटिस इज रिसीव्ड बाय असेसी। जस्ट मोमेंट, नोटिस इज इशूड ओनली इफ एओ हैज इंफॉर्मेशन दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। नोटिस इज इशूड ओनली इफ द एओ हैज इंफॉर्मेशन दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। चलो अब एक सवाल मन में उठता है, ये कैसे पता करेंगे कि भैया एओ हैज इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। ये कैसे पता चलेंगे कि भैया एओ के पास वो इंफॉर्मेशन है कि हाँ चलो इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। इसके लिए इन्होंने क्या किया है सर, जरा इधर देखिए, इसके लिए ही इन्होंने एक्सप्लेनेशन 1 और 2 ऐड किया है इन सेक्शन 148। सेक्शन 148 के एक्सप्लेनेशन 1 और 2 सजेस्ट करते हैं कि कब कब यह माना जाएगा कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है फॉर स्टार्टिंग द रीअसेसमेंट। सबसे पहले आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के ऊपर। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है अगर असेसी के ऊपर सर्च सर्वे या रिक्विजिशन हुआ है तो यह हमेशा माना जाएगा कि भैया उसके पास इंफॉर्मेशन है। मतलब अगर रेड हुई है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, रीअसेसमेंट स्टार्ट कर सकते हो, राइट। उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रेड वाला केस है, सर्च सीजर रिक्विजिशन वाला केस है, तो इट इज अज्यूम दैट एओ हैज इंफॉर्मेशन। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर सर्च सर्वे रिक्विजिशन हुआ है तो ये हमेशा माना जाता है दैट एओ हैज इंफॉर्मेशन और वो क्या कर सकता है, रीअसेसमेंट अंडर 147 चालू कर सकता है, बराबर। इन अदर केसेस, मान लो अगर केस सर्च सीजर का नहीं है तो ये 5 चीजों में से कोई भी एक होगी तो ही माना जाएगा कि हाँ एओ हैज इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, और तो ही आपका रीअसेसमेंट हो पाएगा। यानी रीअसेसमेंट तभी हो पाएगा जब इन 5 में से कुछ ना कुछ एओ के पास होगा, कोई मटेरियल एविडेंस एओ के पास होगा। ऐसे नहीं मुंह उठा के वो कभी भी रीअसेसमेंट कर देगा, उसके पास क्या होना जरूरी है सर, सबूत होना जरूरी है जिसके बेसिस पे वो क्या करे, रीअसेसमेंट करे। अब ये सबूत का मतलब क्या है, सर्च सीजर सर्वे के केस में हमेशा मान लिया जाएगा उसके पास सबूत है। सर्च सीजर वाला केस नहीं है तो कब मानेंगे, वेयर एनी इंफॉर्मेशन एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड बाय सीबीडीटी। कोई इंफॉर्मेशन उसको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के थ्रू मिली होगी जो सीबीडीटी से आता है। इन शॉर्ट उसके पास अगर कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से तो वो यूज कर सकता है। दूसरा, एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट असेसमेंट इन केस ऑफ असेसी फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। उसके पास कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन अवेलेबल है, उसके पास कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन अवेलेबल है कि उस पर्टिकुलर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का जो कंप्यूटेशन है वो सही नहीं किया गया है। एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर डीटीडब्ल्यू, मान लीजिए किसी और कंट्री से उसके टैक्स इवेजन की कोई खबर आई हुई है अंडर द डीटीडब्ल्यू, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, तो हम ये मान सकते हैं। एनी इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू एओ अंडर द स्कीम ऑफ सेक्शन 135A, मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन एओ के पास अवेलेबल है अंडर सेक्शन 135A, हम आगे पढ़ेंगे सर्च एंड सीजर में, या एनी इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर एक्शन इन कॉन्सिक्वेंस टू द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और कोर्ट। मान लीजिए अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल से भी ऑर्डर आया है तो हम मान लेंगे कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है और वो फिर क्या कर सकता है, री असेसमेंट अंडर 145
47 कर सकता है। चलो कम ऑन, वंस अगेन, रीअसेसमेंट के लिए क्या चाहिए भैया? एओ के पास इंफॉर्मेशन चाहिए। कब माना जाएगा इंफॉर्मेशन है? एक्सप्लेनेशन टू कहता है। कौन बेटा? एक्सप्लेनेशन टू कहता है कि हाँ, सर्च सीजर रिक्विजिशन के केस में हमेशा माना जाएगा इंफॉर्मेशन है। दूसरा, 5 केसेस में माना जाएगा इंफॉर्मेशन है। अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के तहत इंफॉर्मेशन मिली हुई है, DTAA के तहत कोई इंफॉर्मेशन मिली हुई है, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन से एओ इंफॉर्मेशन मिली हुई है, यू नो सेक्शन 135A के तहत एओ को कोई इंफॉर्मेशन मिली हुई है, या फिर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, तो हम मान लेंगे एओ के पास इंफॉर्मेशन है और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वो कर पाएगा। आज अगर देखोगे ना मालिक, हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, पर एक ही सेक्शन को मल्टीपल टाइम पढ़ा हम लोगों ने। चलेगा, जिस पे क्वेश्चन आता है उस पे बिल्कुल चलेगा। इन केस ऑफ सर्च सीजर रिक्विजिशन, इट इज अज्यूम्ड एओ हैज इंफॉर्मेशन ऑफ एस्केप्ड इनकम। याद है, अगर एओ के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, उसे ओओबीएच देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 148A लिंक हो रहा है, इंटरलिंकिंग हो रहा है, उसे कोई यू नो ओओबीएच देने की जरूरत नहीं। वो डायरेक्टली क्या कर सकता है? नोटिस इशू कर सकता है। सिर्फ उसको देखना है 149 के टाइम लिमिट के अंदर में है क्या। यानी अगर सर्च सीजर हुआ है, वो डायरेक्टली क्या कर सकता है सर? ओओबीएच दे बगैर सिर्फ उसको ये देखना है भैया, नोटिस का टाइम लिमिट बचा है क्या, और नोटिस का टाइम लिमिट अगर बचा है तो काम खत्म। वो डायरेक्टली क्या कर सकता है? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट शुरुआत कर सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। इन अदर केसेस इट विल बी अज्यूम्ड दैट एओ हैज इंफॉर्मेशन ऑफ एस्केप्ड इनकम, इफ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सीबीडीटी, एज पर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सीबीडीटी, पॉइंट नंबर टू, इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एज पर DTAA, ऑडिट ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड इंडिकेटिंग इनकम इज नॉट प्रॉपरली कंप्यूटेड ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑब्लिक ट्रिब्यूनल is received, information is available as per section 135A of the Act. इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज पर 135A ऑफ द एक्ट।
धन्यवाद बेटा। चलो थोड़ा 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 क्लियर हो रहा है। चलो फिर एक बार रिकॉल करेंगे, फिर एक बार रिकॉल करेंगे। सबसे पहले अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल लेने के बाद ये चेक करेंगे टाइम लिमिट में है क्या, चेक करने की जरूरत नहीं अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है तो। इसके बाद क्या देंगे, ओओबीएच देंगे, उसकी भी सुनेंगे, एसएससी की भी सुनेंगे। हालांकि सर सीजर रेड के केस में सुनने का काम नहीं है, अगर रेड वाला केस है तो एटलीस्ट जेसी हैंडल करेगा, रेड वाला केस नहीं है तो कोई भी ऑफिसर हैंडल कर सकता है। फिर उसको नोटिस देंगे, नोटिस भेज के बोलेंगे रिटर्न भर। अब अज्यूम करते हैं कि हमने 148 का उसको क्या दिया होगा, नोटिस दिया होगा और बोला होगा कि बेटा तेरे को क्या करना है, रिटर्न सबमिट करना है। बोला होगा तेरे को बेटा क्या करना है, रिटर्न सबमिट करना है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर्स। इसके बाद क्या होता है, उसने रिटर्न भरा होगा, वापस जाओ। उसने क्या किया होगा सर, रिटर्न भरा होगा, ये रिटर्न वापस से जाएगा राइट असेसमेंट की गेम में, ये वापस से पूरा सर्कल चालू हो जाएगा, ये वापस से पूरा सर्कल चालू हो जाएगा। अब जैसे ही उसने रिटर्न भरा, एओ के पास फिर से पावर आ जाएगा इंफॉर्मेशन मंगाने का, क्योंकि ये रिटर्न अज्यूम कर रहा है रिटर्न फाइल अंडर 139। अब क्या करेगा एओ, उसको सीधा 143(2) का नोटिस देगा, 143(2) का नोटिस देगा अलॉन्ग विथ 142(1). 143(2) का नोटिस उसको बुलाएगा और इंफॉर्मेशन लेके बुलाएगा, मतलब 143(2) का नोटिस इशू होगा और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी मंगा लेगा 142(1)(1) का, इन 142(1)(2) से वो क्या करेगा इंफॉर्मेशन भी मंगा लेगा और उसके बाद असेसमेंट होगी बेटा 143 के तहत। तो टेक्निकली 147 कोई असेसमेंट नहीं है, 147 पावर टू ओपन द असेसमेंट अगेन है। 147 क्या है बेटा, पावर टू ओपन द असेसमेंट है, एनहेंस प्रूव्ड, एनहेंस प्रूव्ड। तो अगर आपका असेसमेंट पहले हुआ हो या नहीं हुआ हो, डजेंट मैटर, 147 आपको पावर दे देता है उस ईयर का फिर से असेसमेंट करने के लिए। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखो चार लेयर लगा रहा है, पहले वो आपके समरी असेसमेंट करेगा, समरी असेसमेंट नहीं फंसे आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में फंसोगे या रेगुलर असेसमेंट में फंसोगे, वहां भी नहीं फंसे आप कहां आ जाओगे, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में तो कंफर्म आप फंसोगे ही फंसोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अपन यू नो जब इंटर में होते हैं तो अपन लोग बहुत सोचते हैं कि यार हाँ यार यू नो ऐसे टैक्स चोरी कर देंगे, वैसे टैक्स चोरी कर देंगे, ये प्लानिंग कर देंगे। कोई प्लानिंग काम नहीं आती बेटा, जहां तुम्हारी प्लानिंग खत्म हो रही है वहां से लॉ चालू हो रहा है। बात समझ में आई, जहां तुम्हारी प्लानिंग खत्म हो रही है वहां से लॉ चालू हो रहा है। तो फाइनल वाला बच्चा मान लो कभी बैठा है कोई बाजू में, निब्बा निब्बी बैठा है, निब्बा निब्बी बैठा है और वो बात कर रहा है यार टैक्स में तो ऐसा कर देंगे अपन, फिर वैसा कर देंगे, फिर वैसा कर देंगे। उसको बोला ना इधर कभी असेसमेंट पढ़ा है लाइफ में, एक काम कर विज्जू सर के पास जा, विज्जू सर तेरे को ना लॉजिकली बताएंगे क्या होगा, तब तेरे को लाइफ में समझ में आएगा कि ये करने लायक है भी नहीं है। सर देखिए नहीं होता ये सब, इतना आसान नहीं होता ये सब कर देना। हाँ मैं ये नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है, होता ही है, पर ये इतना आसान नहीं होता। आज जो लॉ है वो बहुत बदल चुके हैं, आज जो लॉ है वो बहुत बदल चुके हैं, स्पेशली 2021 के बाद तो बहुत ज्यादा बदल चुके हैं राइट। चलिए इधर आइए, चलिए इधर आइए, देखिए चैप्टर कितना बड़ा है और प्योर थियरी है। इसके बाद क्या होगा, आप असेसमेंट या री असेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन करेंगे। एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट, ऐसी इनकम जो एस्केप हो चुकी है असेसमेंट में, ये कैसे पता चलेगा, एओ 148 में उसको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और बाद में उसने ऑडिट किया होगा राइट। द एओ में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 148 टू 153। अब आपको समझा मैंने उल्टा प्रोविजन क्यों पढ़ा है, क्योंकि 147 में क्लियर लिखा है सब्जेक्ट टू 148 टू 153, मतलब 148 से 153 के सारे कंप्लायंस होंगे तो ही इधर आने का। इसीलिए जीके एंड ड्राइव शॉप ने क्या किया था, एक पूरी सीक्वेंस दी थी आज जहां से मैंने लेक्चर चालू किया था। देखो लेक्चर के एंड में सब कुछ मिला करके दे रहा हूं। 147 बोलता है भैया 148 से 153 के पूरे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, भैया 148 से 153 के कंप्लायंस करने पड़ेंगे, इसीलिए तो हमने पहले अप्रूवल पढ़ा। अप्रूवल पढ़ने के बाद यू नो आपका नोटिस का टाइम लिमिट देखा, फिर 150 देखा, 150 के बाद 148A देखा ओओबीएच, उसके बाद 148B देखा, उसके बाद 148 देखा और अब आके हम 147 में आए हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? असेस और रीअसेस सच इनकम और लॉस और डेप्रिसिएशन और एनी अदर अलाउंस और डिडक्शन फॉर सच असेसमेंट ईयर। तो जो जो चीजें क्या की गई है असेसमेंट में, एओ हैज गॉट इंफॉर्मेशन, वो सारी
इनकम क्या किएंगे, असेस करेंगे, टोटल इनकम या टोटल लॉस को क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, टोटल इनकम या टोटल लॉस को क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। अब एक सवाल था जिसके ऊपर बहुत सारे केस लॉ भी थे, खैर जैसे ये लॉ अपडेट हुआ वो भी सारे सवाल खत्म हो गए। मान लीजिए एओ असेसमेंट कर रहा है, उसको दो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ध्यान में आई थी विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, ऑडिट करते हुए तीसरे ही पार्ट ध्यान में आई, लेकिन इस इनकम का जिक्र नोटिस के अंदर में नहीं था। सवाल उठता है, बताइए एओ कैन असेस दैट इनकम ऑल्सो? दो उसके ध्यान में थी, दो उसने 148 के नोटिस में लिख करके दी थी, बराबर है, लेकिन ऑडिट करते वक्त, असेसमेंट करते वक्त उसको क्या हो गया, ध्यान में आ गया एक तीसरी इनकम जो नोटिस के अंदर में मेंशन नहीं की थी, क्या वो भी वो कंसिडर कर सकता है? इट हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड इन वेरियस केसेस, आंसर इज येस। एओ मे असेस और रीअसेस अदर इनकम ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नोटिस अंडर 148A हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद इवन विदाउट इशूइंग द फ्रेश नोटिस। तो भैया ऐसे केस में क्या हो सकता है, नोटिस इशू हो सकता है 148A के तहत, सॉरी असेसमेंट हो सकता है 147 के तहत, भले ही 148A का नोटिस इशू नहीं हुआ होगा। तो भले ही 148A का नोटिस इशू नहीं हुआ होगा तो भी क्या होगा, असेसमेंट हो सकता है। आपका टोटल इनकम या टोटल लॉस क्या किया जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा। अच्छा, अब एक और बात ध्यान से समझिएगा, 147 के अंदर में जो इनकम होती है दैट मस्ट बी इनकम चार्जेबल टू टैक्स। एक एग्जम्प्ट इनकम का रीअसेसमेंट नहीं होता। मान लो एक एग्जम्प्ट इनकम है, उसका रीअसेसमेंट करके कर भी क्या लोगे आप, कोई एडिशनल तो मिलना नहीं है। सो असेसमेंट और रीअसेसमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल ऑफ एन एग्जम्प्ट इनकम, असेसमेंट और रीअसेसमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल ऑफ एन एग्जम्प्ट इनकम, यस और नो? अच्छा, यहां पे अब एक और कंसेप्ट आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। यहां पे एक और कंसेप्ट आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। आज मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। इसको यही समझ लो क्योंकि आगे चल के ये वापस से अपील चैप्टर में भी काम आएगा, ये वापस से रिविजन चैप्टर में भी काम आएगा, तो प्लीज ध्यान से समझना। देखिए और मेरे साथ लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। एक जगह है टोटल मर्जर, एक जगह है पार्शियल मर्जर। ये आगे फिर एक और बार है, आगे के चैप्टर्स के अंदर में ध्यान से सुनना, डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। यस, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर क्या बोलता है? देखिए, डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर कहता है द ऑर्डर ऑफ लोअर अथॉरिटी मर्ज विद द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी, द ऑर्डर ऑफ लोअर अथॉरिटी मर्ज विद द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी। ऐसे केस में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर क्या कहता है, इफ एनी मैटर इज सब्जेक्ट टू अपील और रिविजन देन रीअसेसमेंट ऑफ सच मैटर कैन नॉट बी मेड अंडर सेक्शन 147। अगर कोई मैटर अपील या रिविजन में जा चुका है, उस मैटर का रीअसेसमेंट नहीं हो सकता, बाकी मैटर का हो सकता है। इसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल एओ क्या कर रहा था सर, असेसमेंट कर रहा था अंडर सेक्शन 144 या 143(3) एज द केस मे बी। असेसमेंट करते वक्त उसने क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया सर्टेन एक्सपेंसेस, डिसअलाउ कर दिया कुछ एक्सपेंडिचर ए बी सी डी, ऐसे चार उसने क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। अब मान के चलिए सी और डी से रिलेटेड मैटर को असेसी ने फाइल कर दिया अपील, बराबर है, सी और डी वाला मैटर किसने फाइल कर दिया, असेसी ने फाइल कर दिया इसके खिलाफ अपील कि मेरे को लगता है ये दो एक्सपेंसेस तो अलाउ होने ही चाहिए, ये दो एक्सपेंसेस तो अलाउ होने ही चाहिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, ऐसे केस में री असेसमेंट ऑफ ओनली ए एंड बी इज पॉसिबल बाय एओ। मतलब जो मैटर
हायर अथॉरिटी के पास चले गया, लोअर अथॉरिटी उस मैटर को डील नहीं करेगा। द ऑर्डर ऑफ लोअर द मैटर विच इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील और रिविजन, द ऑर्डर ऑफ लोअर अथॉरिटी मर्ज विद द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी। अब सी और डी वाले मैटर का रीअसेसमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ ए और बी वाले मैटर का ही रीअसेसमेंट हो सकता है। सी और डी वाला मैटर अब अपील में हैंडल होगा या रिविजन में हैंडल होगा। यस, इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। तो यहां पे भी सेम है, अगर सी और डी अपील में चले गए तो रीअसेसमेंट सिर्फ ए और बी का हो सकता है, सी और डी का रीअसेसमेंट ए और नहीं कर सकता। चेक करो, इज दैट डन? चलो जी, अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर। डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर एज अगेंस्ट दिस वर्क करता है, इफ एनी मैटर इज रेफर्ड टू अपील, नो रीअसेसमेंट ऑफ एनी मैटर इज पॉसिबल, नो रीअसेसमेंट ऑफ एनी मैटर इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, एओ ने क्या कर दिया सर, डिसअलाउ कर दिया एक्सपेंसेस ए बी सी डी, और सी और डी के लिए आप अपील में चले गए। सी और डी के लिए आप क्या कर गए, अपील में चले गए, नो रीअसेसमेंट ऑफ आइदर ए बी सी और डी। इसको हम कहते हैं टोटल मर्जर। टोटल मर्जर में अगर एक भी मैटर के लिए आप अपील में चले गए तो किसी भी मैटर का रीअसेसमेंट नहीं हो सकता। खैर, अगर मैं बात करूं पार्शियल मर्जर, पार्शियल मर्जर मर्जर इज अफर्म्ड इन सेक्शन 147, 246, 154। टोटल मर्जर इज अफर्म्ड इन सेक्शन 264। चेक कर लो मालिक। डन है बेटा।